सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत कैलाश पर्वत से, भगवान शिव और पार्वती का निवास। यहाँ रहते हैं गणेश जी के पिता भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती। गणेश भगवान संपन्नता, ज्ञान और सांसारिक सफलता के भगवान माने जाते हैं। वो भगवान शंकर और पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। तो शुरू करते हैं गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। प्रणाम नाथ। पार्वती तुम कब आई? नाथ आपका डायनासोर रूप देखते हैं समय को पता ही नहीं चला। बैठो पार्वती, इस भस्म लगाने वाले गले में सर्प पहनने वाले वैरागी में तुमने ऐसे क्या देख लिया? कोई भी अलंकार धारण किए बिना ही आप खुबे से भी धनवान लगते हैं स्वामी। सृष्टि का पालन करके जन्म मृत्यु का चक्र शुरू रखने की शक्ति आपके पास है प्रभु। आज हम बहुत प्रसन्न हुए, मैं जो वर चाहिए मांग लो ही मुकन्या। मेरी एक ही सरल सी मांग है, आप तपस्या करने के लिए अन्य पर्वतों पे जाते हो तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तब मेरा रक्षण करने के लिए मुझे सेवक दे दो। पर मेरे सेवक तो मेरे साथ मेरू पर्वत आने वाले हैं। आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है। महादेव मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपना रक्षण करने के लिए समर्थ हूँ। नहीं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मुझे एक ऐसा धन चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरे आज्ञा का पालन करे। मैं खुद ऐसा एक गन बनाऊंगी। मुझे स्नान पर जाना है परंतु द्वार पर कौन रहेगा? सब सुरक्षा कर्मी और रक्षक शिव जी के साथ गए हैं, मैं क्या करूं? चलो मैं अपने शक्ति से मेरा गन बनाती हूँ। तुम अति सुंदर हो और मेरे हृदय का खजाना हो। कोटि कोटि प्रणाम माती।